नमस्कार दोस्तों, रहस्य ट्यूब में आपका स्वागत है। बेनू नाम को दुनिया भर के दर्जनों देशों के 8000 से अधिक छात्र प्रविष्टियों में से चुना गया है, जो कि एक सक्रिय क्षुद्र ग्रह है। 11 सितंबर 1999 में एक सर्वे के दौरान लिनेयर के द्वारा एक एस्ट्रॉइड की खोज हुई। दोस्तों 23 सितंबर 1999 को डीप स्पेस नेटवर्क रेडार इमेजिंग के जरिए इस एस्ट्रॉइड की तस्वीरें खींची गई, जो कि उस समय धरती के काफी करीब से गुजरा था। एक एस्ट्रॉइड जो आगे चलकर हमें हमारे भविष्य के अस्तित्व के बारे में बताने वाला था। इसका नाम रखा गया बेनू 101955। बेनू नाम जो कि एक बर्ड के नाम से रखा गया था। आखिरकार ये बेनू यानी कि एस्ट्रॉइड हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो कि हमारी धरती को तबाह कर देगा, आइए जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। मिल्की वे गैलेक्सी अरबों सितारों और अरबों सौरमंडल का घर है। उन्हीं में से एक हमारा सौरमंडल, जहां 1 मिलीग्राम में बसती है हमारा जीवन। लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, वो है कि आखिरकार ये धरती, सूरज, ये चंद्रमा, ये सब बने कैसे थे। आइए दोस्तों हम निकल पड़ते हैं एक अद्भुत सफर पे। पिछले कुछ दशकों में हमारे सौरमंडल का राज काफी विकसित हुआ है। हमारे सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ होगा, लेकिन क्या दोस्तों हम अपने इन अनुमानों को सिद्ध कर सकते हैं? क्या हम इन्हें प्रमाणित कर सकते हैं? बेनू 101955 11 सितंबर 1999 को लाइनर प्रोजेक्ट द्वारा खोजे गए अपोलो समूह में एक कार्बोनेट क्षुद्र ग्रह है। यह एक संभावित खतरनाक वस्तु है। अपने विस्तारित तागाम हाथ के साथ मिस्र के देवता जैसे दिखता था, जिसे आमतौर पर बगुले के रूप में दर्शाया जाता है। इसका नाम बेनू के नाम पर रखा गया है, जो प्राचीन मिस्र का पौराणिक पक्षी है, जो कि सूर्य सृष्टि और पुनर्जन्म से जुड़ा है। बेनू का व्यास 490 मीटर यानी 1610 फीट 0.30 मील है। दोस्तों आप इस तस्वीर के माध्यम से आकलन लगा सकते हैं कि बेनू कितना बड़ा हो सकता है। रोटेशन की बात करें तो बेनू की धुरी अपनी कक्षा में 178 डिग्री झुकी हुई होती है। बेनू की सतह पर एक प्रमुख 10 से 20 मीटर बोल्डर के साथ काफी चिकनी आकृति थी। बेनू के केमिकल और नेचर की पढ़ाई कर हमें ये जान सकते हैं कि शुरुआती दौर में सौरमंडल की रचना कैसे तैयार हुई। इसका आकार एक लट्टू के समान है, जो करीब 4.3 घंटों में अपने एक्सिस को एक चक्कर पूरा लगाता है। लेकिन बेनू की स्पीड समय के साथ साथ बढ़ते ही जा रही है। यॉर्प इफेक्ट के कारण, जो कि सूरज से आने वाले थर्मल फोटोस के मोमेंट के कारण होता है, जो कि इसके बदलने के साथ साथ हमारे भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। बेनू करीब 262.5 मीटर चौड़ा है। इस आकार का एस्ट्रॉइड पूरी एक शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। अगर गलती से भी बेनू धरती से टकरा गया तो यह हमें भारी नुकसान पहुंचा सकता है। परंतु आप घबराए नहीं, इसमें अभी बहुत समय है। फिलहाल आप भी बेनू की पढ़ाई करने में लगे रहें। 2135 में करीब 3,00,000 किलोमीटर की दूरी से, यानी चांद जितनी दूर से ये निकल जाएगा, और फिर सितंबर 2175 में जब ये फिर से धरती के करीब आएगा, तब 24,000 में से एक प्रोबेबिलिटी रहेगी ये धरती से टकरा जाएगा। इस क्षुद्र ग्रह का पदनाम P/1999 RQ-36 लाइनर होगा। आशा करता हूँ बेनू क्या है पता चल ही गया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको थोड़ा अपडेट्स दे देता हूँ। इसरो तथा DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया शक्ति मिशन हमें हमारे विश्व को चौथा ऐसा देश बनाता है जो एंटी सैटेलाइट वेपन रखता है। यानी अब इंडिया केवल वाटरलैंड या एयर ही नहीं, बल्कि स्पेस में भी दुश्मनों को आसानी से पछाड़ सकता है, उनके स्पाइन सैटेलाइट को तबाह करके। तो दोस्तों इसरो के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो में एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप मेरे नए आने वाले वीडियोस को आसानी से देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।